हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? लास्ट साल क्या पढ़ा था टॉपिक? टर्नरी प्रेटनी ये सिक्स स्टार्ट किया था, और टर्नरी का चक्कर ही नहीं इसमें। टर्नरी तो मेन कोर जावास्क्रिप्ट है। लास्ट कल क्या पढ़ा है? वायरलेस कौन पढ़ लिया था? मैप भी पढ़ा करके मैंने। मैप तो वो मैंने मैप का फिर करवाया होगा, बट इसका मतलब फिर फिल्टर स्टार्ट होगा पहले। मैप फिल्टर क्या कह रहे हैं? इसको ऑन ऑफ करें मुझे मैप फिल्टर। ऑन हो गया दोस्त? हाँ अच्छा नहीं, मैप सिंपल यही काम करता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको आइट्रेट भी करता है। हमने कल एक एग्जांपल ली थी उसकी नंबर की। उसके अलावा आप इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, बूलियन वैल्यू भी ले सकते हैं, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक अरे ले लेता हूँ, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। वन नेम उसका कर लेते हैं, प्रोडक्ट वन, और प्राइस पे आते हैं प्राइस अवेलेबल इज ऑन सेल। अच्छा जी, ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये तो आपको आइडिया होगा कि किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। अगर इसका मैं नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो कैसे? खाली नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कैसे करवाऊंगा? खाली एक का नाम प्रिंट कराना है, क्या करूँगा? कंसोल हाँ, क्या नाम प्रोडक्ट्स? उसके बाद हम देंगे वन इंडेक्स पे अरे के अंदर डॉट नेम। ये तरीका कार्य देखें, उसका इंडेक्स है, ये एक अरे है, अरे के अंदर इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, और इसका 2 इंडेक्स है। ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ नोड इंडेक्स डॉट के। अच्छा जी, अब इसमें मैं चाहता हूँ मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दो जिनकी प्राइस 5,000 से ज्यादा है, या 5,000 है या 5,000 से ज्यादा है। तो अभी के लिए अगर आप फॉर लूप करें तो पहले फॉर लगाएंगे, लेंथ तक जाएंगे, वन प्लस प्लस करेंगे, फिर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, वो रिटर्न कर देगा। उसकी बजाय आपके पास आसान मेथड है, प्रोडक्ट डॉट मैप। एक इसके पास वन बाय वन एलिमेंट आएगा, वो कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? अगर एक्स, अच्छा एक्स में पता है क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मैप को या फॉर लूप को या फंक्शन को ऑब्जेक्ट पास करना काफी आसान होता है।
जबकि अरे पास करना काफी मुश्किल होता है। ये देखिए मैंने जस्ट अगर एक्स दिया, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट फिल होगा। मैं कहता हूँ एक्स डॉट प्राइस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो वो डेटा मुझे दे दो, किसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको कंसोल डॉट डॉग भी कर लें। ये देखिए कौन सा उसकी कंडीशन में पूरा उतर रहा है, पहला ये वाला और एंड वाला ये, और दरम्यान वाला 5000 पूरा नहीं है तो वो नहीं आया। अच्छा अगर आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट ही अगर मैंने प्रिंट कराना है। मैं चाहता हूँ चले तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि जो प्राइस है रमजान की वजह से कीमतें बढ़ गई, चले हर प्राइस के अंदर 500 ऐड कर दो, जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट बढ़ा दो, या पेट्रोल बढ़ गया मुल्क में तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी हर प्रोडक्ट्स में 500 ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, जो पेस्ट कर दिया क्या करेंगे। एक्स डॉट प्राइस प्लस 500 उसने सब में 500 ऐड कर दिया, लेकिन अब इसमें मसला ये आ रहा है उसने तो सारे ऑब्जेक्ट का सत्यानाश कर दिया। देखते हैं ना, मुझे पता चल रहा है ये प्रोडक्ट कौन सी है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, इसको कैसे आप प्रिंट करवा। या उन्हें मैथ पढ़ा ही है ना पहले भी, आपको साथ में मैथ पढ़ाया ही है। इसके लिए बेहतर हाल तो होता है अगर स्प्रेड ऑपरेटर आता है कि आप पहले उसका क्लोन बना लें और जिस प्रॉपर्टी को आप इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज करना, या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ प्राइस जो आईडी है वो एक्स डॉट आई डी ही आए, जो नेम है उसके अंदर एक्स डॉट नेम आ जाए, कर रहा है आई डी के अंदर आई डी और प्राइस के अंदर एक्स डॉट प्राइस में 500 ऐड कर दो और इज ऑन सेल के अंदर एक्स डॉट इज ऑन से। कैसे आइडिया आप गेट करते हैं यार, एक ऑब्जेक्ट है ना उसको प्रिंट कैसे करवाएंगे पूरे ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास नेम है ओरिजिनल तो नेम आ गया उसके अंदर, नहीं नेम के अंदर नेम नहीं आएगा, इसको पहले चेक कर लें। अनडिफाइंड 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 वो आ ही अनडिफाइंड है, मैं अगर रिटर्न कर दूं यहाँ पे तो वो प्राइस में एरर दे देगा, और अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं तो एरर मांगेगा। एक तो जब आपका डाटा एक कर्ली ब्रैकेट इसके लिए, एक कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे कर दे रिटर्न। एरो फंक्शन आप लोगों को सही तरीके से अगर आते हैं तो आप ये काम कर सकेंगे। एरो फंक्शन क्या करते हैं, जब आपका एक ही लाइन के अंदर कोड हो तो आपको नीचे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स डॉट प्राइस प्लस 500 अगर तो आपका एक ही वेरिएबल है आप सेम लाइन में लिख सकते हैं इस तरह। अगर आपका डाटा मल्टीपल लाइंस पे है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ एक तो कर्ली ब्रैकेट इसलिए ठीक है ये मल्टीपल लाइंस पे आ रहा है,
और दूसरी कर्ली ब्रैकेट के मैं ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें आईडी के अंदर मैं कहता हूँ एफ डॉट आईडी कर दो, आईडी भी आ गई। नेम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नेम के अंदर जो उसका ओरिजिनल नेम है वो एज इट इज कर दो। देखें बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ प्राइस ही चेंज कर रहा है वो। अगर मैं कहता हूँ ये देखें एक्स डॉट नेम भी आ गया और प्राइस के अंदर एक्स डॉट प्राइस कर दो और यहाँ पे एंड पे कर दो इज ऑन सेल के अंदर एक्स डॉट जो उसका ओरिजिनल डाटा वो दे, ये अब आपका एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। ये देखिए अब सारी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। आगे आपका स्प्रेड ऑपरेटर आएगा वो बिल्कुल ही आसान है। तो यहां से तोड़ दें, आगे आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर आ जाएगा, उससे काम आसान हो जाएगा कि एक्स की कॉपी ले लेंगे हम और जो एक्स जो प्राइस है उसके अंदर एक्स डॉट प्राइस कर देंगे, उसके अंदर 500 ऐड कर देंगे, इससे कोड आपका मजीद शॉर्ट हो जाएगा। चलें फिलहाल अभी मैप को आप इतना ही समझें, इसको अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो अभी प्रोडक्ट मॉडलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास सिटीज की एक लिस्ट है, एक अरे है, लाहौर कर लेते हैं, इस्लामाबाद कर लेते हैं, मुल्तान कर लेते हैं। आप इसके अंदर चेक करो उस सिटी को मैप कर दो कितनी दफा लाहौर आ रहा है, या तो ये फाइंड कर लो, या अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई चीज इसमें अवेलेबल है या नहीं है इसके ऊपर भी आप मैप देखें। आइटरेशन अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर मुझे लाहौर ढूंढ के दो, आप क्या करेंगे? मतलब अगर आप मैप ना लगाओ तो क्या करेंगे? फॉर लूप, पहले एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर एक इफ लगाएंगे, पहले तो हाइड्रेशन कंप्लीट होगी, फिर उसके अंदर रन टाइम पे आप मतलब मैं करके दिखा देता हूँ आप कुछ इस तरह करेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सिटीज डॉट लेंथ तक जाएंगे आई प्लस प्लस, यहाँ पे जाके आप कर लेंगे इफ सिटीज ऑफ आई अगर इक्वल है लाहौर के तो उसके सामने एक मैसेज प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग, उसी सिटीज ऑफ आई का नाम लिखो और प्लस करके कंकैटिनेट कर दो क्लीन सिटी। चलो ये मैंने वैसे एक मैसेज भी लिखी है, अदरवाइज आप मैसेज नहीं भी लिखना चाहते तो उस सिटी का नाम प्रिंट करवा दो। ये आपके पास अभी तक ट्रेडिशनल तरीका है। हाँ देखें इसके लिए कितना हमें लेंथी काम करना पड़ा, इसी तरीके को अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं जब आपने आइट्रेशन करनी हो। अच्छा इसमें अभी के लिए वो डुप्लीकेट अरे नहीं बना रहा, अभी के लिए ओरिजिनल के अंदर से बाकी चीजें अरेज कर रहा है, बाकी दो चीजें मुझे रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब आप मैप लगाते हैं मैप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना के दे देता है। सिटीज डॉट मैप करते हैं, मेरे पास 1 बाय 1 एलिमेंट आएगा और मैं कहता हूँ अगर एक्स इक्वल हो लाहौर के तो वो मुझे रिटर्न कर दो, मैं डायरेक्टली कंसोल में ये मैप लगा देता हूँ। जहां जहां पे लाहौर आ रहा है वो प्रिंट कर ट्रू, फिर उसको प्रिंट करवाने का आगे वही तरीका आ जाएगा। मैप और फॉर में बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर जो है वो आपका ओरिजिनल डाटा रिटर्न कर देता है और ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई कर देता है, जबकि मैप ओरिजिनल अरे मॉडिफाई नहीं करता है, उसको डुप्लीकेट बनाता है, बाकी वो सारे काम करता है। इसमें अभी हमें ना इनिशियल कंडीशन दे रहे हैं ना लास्ट कंडीशन दे रहे हैं, इससे मिलता जुलता एक और फंक्शन है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट मॉडलिंग आपको ना मुझे एंड पे आपको याद करवाना, क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट मॉडलिंग की समझ नहीं आपको आएगी आप इतनी मर्जी कोडिंग कर लें आप कल को बैक एंड पे काम नहीं कर सकते। फिल्टर, फिल्टर मेथड इन ESO, फिल्टर क्या करता है, क्या करता है फिल्टर?
चीजों में फिल्टर कर लेते हैं। को फिल्टर कर देता है। मिसाल के तौर पे हम कोई डाटा ले लेते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं, रिजल्ट आया तो स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं, किसी के 10-90 आ गए, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, चले 9-84, 10-63, और एक बेचारे के 660 है और 735। चल मैं कहता हूँ अगर इसी में से आप चाहते हैं कि मुझे अगर 1000 से मार्क्स ज्यादा है तो उसको A+ ग्रेड डिक्लेयर कर, आपके पास वही तरीका होगा, आप लगाएंगे वही फॉर लूप लगाएंगे, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, या आप ये कर सकते हैं कि ए ग्रेड नहीं देना चाहते, मुझे वो डेटा रिटर्न कर दो जो 1000 से ज्यादा है। तो आप उसके लिए जब चीजें आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड होता है फिल्टर का, जो आपकी गिवन कंडीशन पे ट्रू करता हो। मतलब कैसे, मार्क्स, तरीकाकार उसका वही होगा, जैसे मार्क्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे एक वन बाय वन एम आएगा मेरे पास, मैं कहता हूँ एम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 1000 वो मुझे डेटा दे, इसको कंसोल कर लें, बेशक आप ओरिजिनल भी देख, ये भी उसी तरह डुप्लीकेट भी बना देगा विदाउट ऑल्टरिंग ओरिजिनल अरे, डुप्लीकेट अरे बना देगा। अच्छा अगर यहाँ पे मैं ये कह दूं, देखें उसने वो चीज रिटर्न की जो मेरी कंडीशन पे पूरी उतरती है, चले अब आपका थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लूँ रिजल्ट इम्तहान लेते हैं, इसको उड़ा दे यहाँ पे, कर लेते हैं -1 -2 यहाँ पे जाते हैं मार्क्स डॉट फिल्टर कर लेते हैं, एक एक्स आएगा मेरे पास और एक्स के अंदर मैं +1 कर रहा हूँ, इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या कंसोल पे प्रिंट होगा? हाँ जी कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? प्लस हाँ जी लिखवाएंगे रिजल्ट पर, लिखवाएं क्या आएगा, जीरो। हाँ जी कोई महान स्टूडेंट भी समझता कि मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकता हूँ, ये गलत है जवाब। इस लाइन को पढ़े, मैंने अलग ऊपर लिखा हुआ है, इसका पहले मैं आपको बताता हूँ जवाब क्या आएगा, फिर मैं उसकी लॉजिक, अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गई सारी जिंदगी फिल्टर नहीं भूलेगा आपको। -1 में से -1 करें तो 0 बच गया, वो इग्नोर हो जाएगा, पहले वाला डिलीट हो गया, 1 करें तो 1 हो गया, 0 आ गया, -1 -2 आ गया, -1 आ गया और -3 आ गया, ये उसका आंसर आएगा, ये क्रॉस है यानी ये जगह खाली हो रही है, ये है उसका रिजल्ट। अब लॉजिक समझे, एक्स में पहले मेरे पास 1 आया, -1 -1 में 1 ऐड हुआ, क्या हो गया, 0। 0 ट्रू है या फॉल्स है तो फिर तो वो इग्नोर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ना ऑलवेज रिटर्न, आगे जाए वो प्लस या माइनस करने के बाद अवेल्युएट करता है कि इसका रिजल्ट ट्रू बन रहा है या फॉल्स बन रहा है, वो उसमें जमा या माइनस करता नहीं है, सिर्फ एवेल्युएशन पर्पस के लिए इसमें प्लस माइनस करता है कि अगर मैं ये प्लस माइनस कर दूं तो क्या रिजल्ट ट्रू या फॉल्स बन रहा है, अगर ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स है तो इग्नोर, ये इसके पीछे था कि अब आगे चले, 0 में एक ऐड करें 1 तो 1 ट्रू है, 1 प्रिंट करवा, वो ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ये देखें 0 उसमें प्लस नहीं करेगा, वो वाली वैल्यू प्रिंट करवा देगा, आगे जाए -2 में अगर एक ऐड करें -1, -1 भी ट्रू है, मैंने कल भी आपको बताया था कि सिर्फ 0 ही फॉल्स होता है, ये -2 को एज इट इज प्रिंट करवा देगा, 1 1 2 हो गए तो 2 ऑलवेज ट्रू है,
तो 1 को प्रिंट करवा देगा। -3 के अंदर एक करें तो -2, ये भी ट्रू है तो -3 को प्रिंट करवा। आपको मैं इसकी एक लॉजिक बताता हूँ, जो आज लॉजिक आप पढ़ लेंगे सारी जिंदगी आप यही वाली लॉजिक लिखेंगे। कार्ड्स पे जब आप चीजें ऐड करते हैं ना, इसको पकड़ है, इसमें जल्दी ऐड हो जाएंगी चीजें। तैयारी करने में आना, इतनी दूर क्यों आ गया? सुबह सुबह हमने 4 4 हज़ार की शॉपिंग कर ली है और सैलरी अभी मिली ही नहीं। ले इधर आ जाए। बस ये लड़कों का ही हौसला है, देख लें 11 11 हज़ार के सूट। हमारे लड़के डेवलपर बनेंगे तो ना आप इतने सूट ले सकते हैं और अच्छे डेवलपर बने। अच्छा जी, लॉजिक समझे, मैं इसमें से ये जब इस ट्रैश आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, यही होगा ना? ये कितनी है, 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ ये जो 1 2 3 नंबर प्रोडक्ट है ना, इस पे क्लिक करने लगाऊं ये डिलीट हो जाएगी। हम हू बहू ऐसा ही काम करते हैं, इधर सेम सिनेरियो ड्रा कर लेते। लेट कार्ड, इसके अंदर मेरे पास 5 प्रोडक्ट पड़ी है, मैं उनको नंबर दे देता हूँ 1 2। मैं इसको फिलहाल इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जब मैंने बिल देखा जनाब इतना ज्यादा बिल, मैं कह यार रहने दो, एक उड़ा दे, ये महंगी है इसको उड़ा दे। क्या होगा पीछे, वो 3 वाली उड़ गई है, पीछे कितनी रह गई है? मैं चाहता हूँ आप इसमें से वो 3 वाली उड़ा दें। जो लॉजिक अब आप मुझे बताएंगे वही लॉजिक डेवलपर ने इस बटन के ऊपर लिखी है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक। और आप जितनी भी मर्जी प्रोफेशनल, जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना, अगर इस साइड पे आते हैं रियल के साथ डेवलपमेंट करते हैं, तो यही वाली लॉजिक जो आप मुझे अब बताएंगे यही वाली लॉजिक आप रियल लाइफ में लिखेंगे इस जगह पे। और मैं आपको रिमाइंड भी करवाऊंगा जब आप कार्ड पे जाएंगे कि हमने आप एक लॉजिक पढ़ी थी फिल्टर के साथ। हाँ जी, करें जरा 3 को डिलीट। हाँ जी, जीनियस लोग। हाँ जी, बहुत ये तो स्क्रीन ही देखी जा रहा है। मुझे बताएं क्या करना है, वैसे ही उड़ा रहे हैं इधर से ये लगा लियो। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर डेवलपर की क्या जरूरत थी। हाँ जी, कार्ड और फिल्टर कुछ तो करें ना पहले, ये वाली कहानी तो कंप्लीट करें ना, इतना तो हमने करना ही करना है। यहाँ पे क्या ऐसा काम करें कि 3 इसमें से डिलीट हो जाए? सर मैंने जिस पे क्लिक की है, मैंने 3 पे क्लिक की ना, जिस पे यूजर क्लिक कर रहा है मैं उसी को फिल्टर आउट कर रहा हूँ। यार जिस जिस पे क्लिक करेगा उसका इंडेक्स नहीं आप ले सकते? अगर आपको इंडेक्स मिल गया तो उसको आपको पता नहीं चल जाएगा ये 1 है ये 2 है ये 3 है। तो मैंने डायरेक्ट भी आपको बता दिया यार ये वाले डिलीट करने। यार कितना आसान काम। वैसे हुआ क्या है इसमें? मैंने 3 को फॉल्स कर दिया, ये सारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अब हमें ये पता है कि जो फिल्टर है वो ट्रू रिटर्न करता है, मैंने 3 को जबरदस्ती फॉल्स कर, तो उसने इसमें रिटर्न ही नहीं करना, बाकी वो रे है वो रिटर्न कर देगा। ये वाली लॉजिक आप लिखेंगे ओरिजिनल। आप चाहते हैं कि अब आपने किया जनाब, अब आपको फिर ख्याल आया यार ये प्रोडक्ट भी महंगी है 6 हज़ार, कौन सी वाली? 4 वाली। इस पे क्लिक की, अब मेरे पास फिल्टर होकर डाटा किस में आ गया, रिजल्ट में। तो मैं रिजल्ट पे जाके फिर डॉट फिल्टर लगा देता, जाके मेरे पास जो एक्स आएगा, एक्स नॉट इक्वल टू 4, इसको नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एफ डाटा, फाइनल डाटा, एफ डाटा।
अब जाके देखिए 11वीं बजे, ऐसे ही आप डिलीट करते जाएंगे, चीजें फिल्टर होती जाएंगी। अब ये हम इतने फिल्टर लगाएंगे नहीं, हम जिस पे यूजर क्लिक करेगा उसका इंप्रेशन नोट कर लेते हैं, जिस पे क्लिक करेगा उसके बटन के ऊपर हमने ये लॉजिक लिखी होगी। ये जो छोटी सी ट्रैश आइकन, ये टोकरी बनी हुई है ना डिलीट वाली, इसके ऊपर लॉजिक हमने एक दफा ही लिखनी है। जिस पे क्लिक करेगा हम उसका इंडेक्स रीड कर लेंगे, उसे फिल्टर कर, इतना काम होगा। फिल्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप डाटा लें, ये आपकी ये जो यहाँ पे आपके साइडों पे फिल्टर लगे होते हैं ना, मसलन ये देखें, मैं ग्रेटर 50% पे क्लिक करता हूँ तो डाटा फिल्टर हो रहा है। मैं इन कलर्स पे क्लिक करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा रीशफल हो रहा है। अगर मैं बैग्स में जाता हूँ, चलो मैं करता हूँ ब्लू पे क्लिक, तो ब्लू बैग आ गए। अगर मैं येलो पे क्लिक करता हूँ तो येलो बैग आ गए, ये भी डाटा फिल्टर ही हो रहा है। कैसे, किसी एग्जांपल को अगर आप बनाना चाहें, किसका नेम प्राइस, चलें ले लेते हैं लेट्स प्रोडक्ट्स, बल्कि वो बनाई तो है हमने पहले, उसी के अंदर एक और कॉपी ऐड कर लेते हैं। ये कॉपी यहाँ पे आ जाए तो मैं अनप्रिंट, इसके अंदर सिर्फ एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं कलर रेड, इसको कर ले ब्लू, इसको भी कर ले ब्लू। ले मैं चाहता हूं कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स दे दो जिनका कलर ब्लू है, और एक और भी रख लेते हैं यहाँ पे, फोर को कर लेते हैं हम 6,000 का, नहीं हम कहते हैं 2,500 रख लेते हैं। चले इस ऑन से, ये पहले 2,500 पे है तो इसको सेल पे क्या लगाए हम, इसको हम कहते हैं मैजेंटा। चलेंगे देखिए क्या कर रहा है, ब्रैकेट मिस कर दिया। ले मैं चाहता हूँ जो प्रोडक्ट्स ब्लू कलर की हैं, जैसे मैंने इधर क्लिक किया, जो ब्लू कलर की हैं इसके ऊपर भी ये वाली लॉजिक लिखी होगी जो अब आप लिखने लगे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, जो आपके पास एक एक्स आ रहा है, अगर एक्स डॉट कलर इक्वल है ब्लू के तो वो वाली मुझे प्रोडक्ट दे दो। सिंपल, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लें। रिजल्ट, जो ब्लू कलर की प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अब आपको मिल जाएगी, और यही वाली लॉजिक लिखी हुई है ना जितनी भी वेबसाइट्स पे। बार दफा प्राइस के फिल्टर होते हैं, वो आप कहते हैं कि यार मुझे 500 से 2,000 के दरमियान जो शर्ट्स हैं या जो सूट हैं वो मुझे फिल्टर कर दो, मुझे ऐसे कि मैं पूरी वेबसाइट ढूंढता रहा हूँ, उस पर भी उन्होंने फिल्टर भी लगाए होते हैं। कैसे लगाते हैं वो फिल्टर, मैं अगर कहता हूँ मुझे 2,000 से, मतलब 1,000 से 4,000 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा दो, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, एक एक्स आएगा और एक्स डॉट प्राइस अगर ग्रेटर देन और इक्वल है 1,000 के, एंड 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 एक लगता है दो लगते हैं, तो एक्स डॉट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 1,000, वो वाला डाटा मुझे फिल्टर आउट कर दो। उसमें जो भी अब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आएगी, 1,000 25,000, जितनी भी वेबसाइट है, सिर्फ फिल्टर को आप समझ लेना, आदि की वेब अमेजोन तकरीबन 40% जो वेबसाइट है वो फिल्टर पे जा रही है। ये कितनी बड़ी वेबसाइट है, आप अगर इस पे जाएं, ये लेफ्ट साइड पे सारे फिल्टर ही हैं। क्लाइमेट प्लेस फ्रेंडली दिखा दो, मुझे पीसी गेमिंग कीबोर्ड दिखा दो, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें डाटा फिल्टर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। मैं कहता हूँ जो $10 से $15 के दरमियान है वो दिखा दो, ये देखो वही मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, बैक लिट है जिसके वो दिखा दो, ये देखो ये सारे फिल्टर ही लगे हुए। जितने भी मेन्यूज है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप ई कॉमर्स पे बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो और उस पर फिल्टर ही ना हो। मैं कहता हूँ जिनको 4-स्टार डाटा मिला है वो
पोटैटो दिखाओ जिनकी रेटिंग अच्छी है, ये देखो सिर्फ वही आ गए जिनकी 4 या 5 रेटिंग है। ये इनको फिल्टर कहते हैं वीडियो गेम में, इससे रेलेवेंट डाटा आ जाएगा। इस पे भी फिल्टर है। हाँ यहाँ पे अब आपको ये वाला डाटा ध्यान से बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये आपने सोच करके बनाना है, प्लानिंग करके बनाना है, ऐसे नहीं है। ये क्लाइंट आपको ये कहेगा कि ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट की मॉडलिंग आपने खुद करनी है, वो बैठे बैठाए आपको कोई अलहाम नहीं हो जाना कि आप कहें कि ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं। आपने उसे मुकम्मल पहले उसकी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लिख लेनी, क्या वो चाह रहा है, अपनी वेबसाइट पे कौन सी फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये स्कीम आपने डिजाइन करना। ये लास्ट में मुझे आपने याद कराना 10-15 मिनट में, मैं ये मॉडलिंग आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नहीं काफी काम पड़ा हुआ है और इसको खत्म कर दे। स्प्रेड ऑपरेटर तो नहीं कर सकते हम, सारी लेन देन स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे मैं एक अरे लेता हूँ, नंबर की अरे लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कह दिया 10 11 14 45 66। मैं यहाँ पे जाता हूँ एक num2 लेता हूँ और इसके अंदर num पास कर देता हूँ, और फिर जाके मैं क्या करता हूँ num2 का जो 0 इंडेक्स है उस पे मैं कह देता हूँ 5 ऐड कर दे। अब अगर मैं num को भी प्रिंट करवाता हूँ और num2 को भी प्रिंट कराता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? बेसिक छोटा सा सवाल है, सीधा सीधा, एक अरे ली, एक नया वेरिएबल लिया, इस अरे की कॉपी उस वेरिएबल में पास कर। अब जो मैंने कॉपी बनाई है उसके 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे इस जगह करके नहीं बल्कि 10 पहले ही 0 पे पड़ा हुआ है भाई, 10 0 पे पड़ा हुआ है, इसके डुप्लीकेट अरे के 0 इंडेक्स पे, 2 नंबर अरे के 0 इंडेक्स पे मैं 5 ऐड कर रहा हूँ। अब मैं अगर ओरिजिनल को प्रिंट कराऊं तो क्या रिजल्ट आएगा, और डुप्लीकेट को प्रिंट कराऊं तो क्या रिजल्ट आएगा? हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरह आएगा और यहाँ पे जाके कुछ इस तरह आएगा, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कौन कौन इसे इत्तेफाक करता है, बाकी किस साइड पे, ना उस साइड पे ना उस साइड पे, तो 50-50 कर लें। अच्छा कोई हाथ ही नहीं खड़े किए, ना इस जवाब से मुतमिन है ना वो अपनी राय तो देना। हाँ जी एंड वाले, हाँ जी आप मुतमिन है इसे? हाँ जी एंड वे पे कौन छुट कौन रहा पीछे, पाकिस्तान के ही यहाँ छुट क्यों रहे हैं? हाँ जी गर्ल, थोड़ी मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं, दिमाग की गेम। हाँ जी को समझ आई? हाँ जी सारे होते, ये जवाब गलत है। 60? नहीं वो भी गलत है, ये दोनों में 5-5 कर देगा। हाँ जी पहले रिजल्ट देख लें, मैंने कहा तो उनको वजह भी होगी, हम प्रिंट क्या कर रहे हैं। अच्छा वो ऊपर कोई 1000 वाला को अनकमेंट तो रह गई है, वैल्यू होने वाली है तो ये ठीक है, जो हमने लिखा है ये ठीक है। दोनों में 5-5 कर लिया। हाँ ये कैसे हो रहा है? जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो होती हैं वैल्यू बेस्ड। जिन्होंने बीएस किया या बीएस में पढ़ रहे हैं, किसी ने शायद जिंदगी में पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पढ़े, रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप। जो आपकी नॉन प्रिमिटिव होती हैं रेफरेंस बेस्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, 3 तरह की होती है, अरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन, जो यूजर खुद बनाता है अपने हिसाब से। इनकी जब आप वैल्यू चेंज करते हैं तो उनका पाथ ही बदल देते हैं। वहां पे फर्ज करें एक डब्बे में 5 पड़ा हुआ था, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, मैंने क्या किया, जो बॉक्स ए का रेफरेंस है ना वो मैंने इसको पास कर दिया यहाँ पे,
वैल्यू तो बदली ही नहीं। उस बॉक्स के जो डब्बे का नंबर है ना, बैंकों में लॉकर होते हैं, आपने रखा है आपने जनाब 10 तोले सोना रख लिया, जो भी मुश्किल है तो भाई लॉकर में जाके रख लिया। आपका भाई है, उसने कहा यार मेरी भी एक डायमंड की रिंग रख दो, उसी लॉकर, लॉकर सेम है, आप चीजें उसमें ऐड करते जा रहे हैं और वही वाला लॉकर आप रीयूज कर रहे हैं, उसमें नई चेंजेस नहीं कर रहे। ये रूल सिर्फ अप्लाई होता है रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप के साथ, जो तीन अरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं किस तरह की क्यूरी आएगी और आपको कहेंगे इसका जवाब बताएं। जैसे आप कह रहे हैं सर कोई 666 कह रहा है, कोई कह रहा है जनाब 10 और 5, इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो बॉक्स का रेफरेंस दूसरे बॉक्स को पास कर देता है, वैल्यू को तो वो छेड़ता ही नहीं है, जो वैल्यू पहले क्या है वो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑपरेटर एंड ऑपरेटर भाई वो सी प्लस प्लस में होता है, ये जावा स्क्रिप्ट है। हाँ जब अब आपने कॉपी बनानी है ना, आपने ये करना कॉपी बनाते हुए तीन डॉट लगा देना, डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर। अब ये इसकी प्रॉपर डीप कॉपी बनाए, डीप कॉपी से मुराद है आपके दोस्त के पास फिजिक्स के नोट्स हैं जनाब, आपने कहा यार आपने अच्छा लिखा मुझे भी दे दो मैं कॉपी करवा दूँ। अब आप गए मार्केट में उसकी कॉपी करवा ली, ओरिजिनल उसके पास रहे। अब आप घर में जाके अपने नोट्स पे, आपको शायद आदत है आपने हाईलाइटर से अपने नोट्स पे जो भी चीजें लिखी, उससे फर्क ये नहीं पड़ा कि ओरिजिनल नोट्स तो नहीं ना बदल गए, जो ओरिजिनल मालिक के पास पड़े हैं वो वैसे ही पड़े हैं, आप अपने नोट्स पे जो मर्जी करते रहे, एज इट इज डीप कॉपी काम करता है। ये उसने सही रियल कॉपी बनाई है। देखिए मैंने सिर्फ कॉपी को बदला है, बाकी ना मैं वैल्यू बदल रहा हूँ ना कोई और चीज। अब अगर आप देखें, अब ऊपर वाले में 10 आएगा और नीचे वाली रे का पहला एलिमेंट 5 होगा। ये सॉलिड तरीका है कॉपी बनाने का रेफरेंस डाटा टाइप के साथ, मैं बार बार रेफरेंस कह रहा हूँ, इसका रूल परमिटिव डाटा टाइप पे अप्लाई नहीं होता। वो तो वैसे ही, अगर मिसाल के तौर पे आप प्रिमिटिव की एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ लेट एक्स लिया, एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू एक्स, या करें वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने वाई की वैल्यू बदलनी, एक्स की वैल्यू 5 हो गई, वाई को एक्स के इक्वल कर दिया और यहाँ पे जाके वाई की वैल्यू बात देता है, दोनों को प्रिंट करा लें, इस पे वो अप्लाई ही नहीं होता ये वाला। इसका तल की ये वैल्यू बेस्ड होती है, इस पे रूल नहीं अप्लाई, ये सिर्फ होता है रेफरेंस डेटा टाइप। अच्छा दूसरी एग्जांपल पे भी जरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लेफ्ट यूजर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसकी आईडी है 1001, उसका नेम है जॉन, चलो उसका डेजिग्नेशन है प्रोग्रामर, सैलरी बारह लाख सत्तर माइक्रोसॉफ्ट में लगा हुआ। हाँ इज एक्टिव, क्या आप भी जॉब कर रहा है? तो यहाँ पे लिख दें नेशनलिटी पाकिस्तान, ये बाद में उसने नाम बदल के जॉन रखा, जब उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी तो उसने नाम जॉन रख दिया। ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान में, मुमन आप गए किसी अच्छे शहर में गए, वो कुछ कुछ बन जाते, बंदा ढूंढता रहता है उनको। अच्छा जी ये देखें, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं लेट एक यूजर टू लेता हूँ और जाके यूजर की कॉपी बना लेता हूँ इसमें, चले कॉपी बन की, मैं कहता हूँ जो यूजर टू का नेम है वो जॉन की बजाय कर दो एरिक, ठीक है। अब जाके अगर मैं यूजर को भी प्रिंट करता हूँ और यूजर टू को भी प्रिंट करता हूँ, अब भी वही वाला काम करेगा, दोनों में एरिक कर दो, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। इसका वही तरीका, जब आपने कॉपी बनानी है तो डॉट 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 करके स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी। अब देखें अब सेम ही रहेगा, अब जो भी आपने ओरिजिनल कर दिया है
ऊपर वाला यौन ही रहेगा और नीचे वाला अरे रहेगा, क्योंकि ये भी रेफरेंस रह रहा है। ये अरे और अब्जेक्ट के साथ आपको बेतहाशा दफा कॉपियां बनानी पड़ेंगी। और मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने ओरिजिनल डाटा के साथ कभी भी मॉडिफिकेशन ही करनी, चाहे कंपनी का मालिक कह भी दे, आप उसके सामने कह रहे हैं अच्छा जी मैं कर देता हूँ, फिर भी उसकी कॉपी बना कर आते हैं। ये एक बेटर और प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि उनका माइंड चेंज होने में कोई पता नहीं मिनट में बदल जाए, बाद में आपको 6 महीने लग जाएंगे उसे रिवर्स करने में, और फिर भी 100% डाटा सेम नहीं आएगा, फिर भी इश्यूज आएंगे। दे जी एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर से, एक स्टेप बाद। अच्छा अगर स्प्रेड ऑपरेटर को आप देखें, अब अगर मैप के साथ आप कॉपी यूज करें ना, जो हम पहले बना रहे थे यहाँ पे, वो जो हमने एक ऑब्जेक्ट इतना लंबा चौड़ा बनाया था, x.id, x.name, ये वाला, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं आप। इसको अब आप शॉर्ट कर सकते हैं, एक्स की क्लोन की कॉपी ले लो और जो प्राइस है ना उसके अंदर सिर्फ f.price+500 है। कितना कितनी प्रॉफिट आया होगी, कॉपी बनाई है ना, सारे एलिमेंट्स की कॉपी बना लो, सिर्फ एक एलिमेंट को आप चेंज कर दो, ये लें। क्या कर रहे हैं, अच्छा हो रही है, हमने कमेंट कर दी होंगे। अच्छा ऊपर लगा रहे हैं तो ऊपर प्रोडक्ट ही तो होगी, और प्रोडक्ट नीचे से ढूंढ के लाए पहले, ये करें आता है यार। एक्स के अंदर एक्स की कॉपी ले लो और प्राइस के अंदर x.price+5, ठीक है तो, इसको मैं प्रोडक्ट से वो तो ठीक है, क्या सेम नाम का और ना यूज हुआ, प्रोडक्ट 1 कर रहे थे प्रोडक्ट। अच्छा जी मेरे पास जो भी डाटा है उसकी एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी ले लो और उसी का प्राइस के अंदर 5 ऐड कर दो, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, कंसोल क्यों नहीं कर रहा, प्राइस के अंदर 500 ऐड किया है। ओके अगर मैं रिटर्न करता ही नहीं फिर आ जाए, प्राइस नहीं, प्राइस इसी तरह आएगी, हाँ जी लॉजिक तो सही लिखिए, बहुत छोटी मोटी चीज रहेगी इसमें। अगर मैं ये वाली ब्रैकेट ही रखा है, एक्स की कॉपी हमें एक्स में मिल क्या रहा है, वैसे हम ये भी देखना पहले, प्रोडक्ट 1.मैप एक एक्स मिलता है, एक्स को अगर मैं करता हूँ खाली प्रिंट करवाता हूँ, लेट रिजल्ट किधर चला गया, सारी बात जागता रहे।
प्राइस भी आ डॉट 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 एच प्राइस के अंदर कर दो एच डॉट प्राइस प्लस वन पहले आपको रिटर्न का कॉन्ट्रैक्ट भी जाना पड़ेगा। चलो 12% देखें ऐड कर दिया, ये देखें स्मॉल है उसी तरह को हम देखें। अब कोड देखें, एक पूरे ऑब्जेक्ट की मैंने क्लोन ले लिया, सिर्फ प्राइस को ही मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब देखें ऑब्जेक्ट की शक्ल नहीं बिगड़ रही, इसकी बजाय आप पहले वाला तरीका देखें कितना लेंथी था, कर्व सही रहे थे, हमको ब्रैकेट वगैरह आगे पीछे हो रही थी। पूरे ऑब्जेक्ट का क्लोन बना लिया, और जब मैं प्राइस को प्रिंट करवा रहा हूँ तो इस तरह कर रहा हूँ, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस वन, इस तरह कर, सिर्फ प्राइस, बाकी प्रॉपर्टी सेम रह रही। ये स्प्रेड ऑपरेटर का आप देखें कमाल। और आपको जब काम करेंगे जगह जगह स्प्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपने जब प्रोडक्ट्स को के अंदर कोई भी चेंज करनी है, कोई डिस्काउंट लगाना, आप हो सकते हैं इनको सेल पे लगाना चाहते हैं, और सेल भी बस 2-4 दिन के लिए बाद आफा लगती है, और हो सकता है तो गुलाम में 2 दिन के लिए सेल हो, आप उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दे देते हैं, हो सकता है 2 आवर्स के लिए आपने बाद आफा देखा है 4 दिन के लिए सेल लगती है, 4 दिन के बाद वो ये जो कॉपी बनाई होती है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ओरिजिनल डाटा फिर वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप ओरिजिनल अरे में उनकी प्राइस बदल देंगे ना, तो वो सेल के बाद भी पूरा साल ही सेल भी लगी रहेंगी, तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा, और फिर डेवलपर से कंपनियां लेंगे, ये भी पॉसिबल है। हाँ जी डिस्ट्रक्चरिंग, इसी को पकड़ लें, कॉपी करते हैं लेफ्ट प्रोडक्ट, सिंगल एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, खाली प्रॉपर्टी को कैसे प्रिंट कराते हैं जी, ऑब्जेक्ट की कैसे कराते हैं भाई, प्रोडक्ट डॉट नहीं ऐसे करते हैं, और प्रोडक्ट डॉट प्राइस जो भी आप देना चाहते हैं वो डॉट के साथ देते हैं। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका भी है, उसको कहते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, नेम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं और ऐसे भी करवा सकते हैं, इस तरह ये यूज होगा आपके कभी ना कभी, जब आप बड़े हो जाएंगे तब ये कभी ना कभी यूज होगा, इसको कहते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। जब आपने डायनामिकली डाटा रन टाइम पे चेंज करना हो, यहाँ पे हो सकता है तो मेरी कल को वैल्यू और बदल जाए अरे में, यहाँ पे कलर आ जाए, ये तब यूज होगा जब आपने डायनामिक डाटा चेंज करना हो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल प्रॉपर्टी इन एन ऑब्जेक्ट। अब देखें दोनों में सेम ही रिजल्ट आए, डेली एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते, ये तो आपने बखूबी देख लिया ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करवाते हैं। अब ये जरा काम लेंथी है, देखिए बार बार मैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डॉट कलर कर रहा हूँ, इस डॉट से जान छुड़ाने के लिए आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे, इसमें से ये प्रॉपर्टी निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। मैं कहता हूँ उसको कैसे निकालना है, मैं आईडी निकाल लेता हूँ, नेम निकाल लेता हूँ, और प्राइस इसमें से प्रोडक्ट, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट कर देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट या अरे के अंदर में से। अब मैंने 3 निकाली, अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा यह है कि अब मुझे प्रोडक्ट डॉट आईडी नहीं लिखना पड़ेगा, अब मैं इनको डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ, नेम प्राइस, अब वो डॉट की झंझट से जान जुड़ गए। हाँ इनको मैंने नहीं किया, इनको लिखने का वही तरीका ही होगा, प्रोडक्ट डॉट कलर, प्रोडक्ट डॉट यू इज ऑन सेल, तीन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर कर लिया, दो को नहीं किया। अगर आप चाहते हैं सबको करना है तो
हिसाब कर लें, कोई मसला नहीं। आप चाहते हैं कि अपना टाइम भी जाना सबको करना है, तो ये ले सबको इधर कर लें, कलर कर लें और ईज ऑन सेल कर लें, ये ले। अब सब होगी, अब सबको आप विदाउट डॉट ऑपरेटर आप इनको टारगेट कर सकते। ठीक हो गया? अरे नहीं, अरे के साथ कैसे? अरे में इंडेक्स होता है ना, फिर इंडेक्स के आपको खुद नाम देने पड़ेंगे, वो भी करवा देता हूँ। अच्छा इसमें ठीक है, आप चाहें तो किसी प्रॉपर्टी को रन टाइम पे आपको इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि इसका को नाम रीनेम करना, मैं कहता हूँ नेम को रीनेम कर दे पी नेम का, तो डी स्ट्रक्चर करते हुए मैंने रन टाइम पे उसको रीनेम कर। अभी कंट्रोल करवाने के लिए तीन दिन लिखेंगे तो आ जाएंगे, अगर हाँ, अब पी नेम लिखेंगे तो वो आ जाएगा, नेम लिखेंगे तो फिर नहीं आएगा क्योंकि अब आपने नेम बदल दिया ना उसका, रीनेम कर दे प्रॉपर्टी को रन टाइम पे रीनेम। और वो आपको जरूरत पड़ती है, हो सकता है आपने रन टाइम पे कोई डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी हो तो आप जब क्वेरी लगाते हैं तो रन टाइम पे एलियस देते हैं वहां पे रीनेम करने के लिए, वो होता है कोई टेम्परेरी काम करने के लिए। हो सकता है आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी हो जिसमें एक टेबल बनाना हो, आप प्राइस नहीं लिखना चाहते, आप लिखना चाहते हैं न्यू प्राइस, ये रन टाइम पे काम आ जाता है। अब देखें अगर मैं ये रो ही खत्म कर दूं तो मेरा डाटा उधर कवर ही पड़ा हुआ है, ये रन टाइम पे कोई कैलकुलेशन करने पे या आपने कोई भी प्रॉपर्टी या प्रोसेस करना तो काम आता है। लेकिन इसको एक दफा अरे के साथ भी देख लेते हैं, फिर एक बल्कि इधर एक चले अरे नीचे कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज अभी रहती है, लेट एज 21, 20, 22, 25 चले। अब देखें मैं एज में से कौन से वेरिएबल निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे जाके अब इसके तो इंडेक्स होते हैं, इसको अब आपको नाम खुद देने पड़ेंगे, इसके तो नाम थे ए बी सी डी, ये अब आपको ये बताना चाहिए बी में क्या है सी में क्या है। मैं अगर बी करता हूँ 20 आ गया, उसके नाम होते हैं ना, हाँ जी, इसलिए रे के साथ काम यूज होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, तरीकाकार वही होगा। अरे का तो असल में ना प्रॉपर्टी को टारगेट करना होता है, और अरे को टारगेट करने के लिए आप खुद इंडेक्स में टूल है, उसका तो वैसे ही प्रॉपर्टी बड़ी स्मॉल होती है, तो इसलिए नॉर्मल डेवलपर जो है इसको ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। अच्छा जी एक छोटी सी चीज है वो जरा देख लें, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट मॉडलिंग पे काम करते हैं, इधर आ जाए रेस्ट ब्रेक। मैं इनको डिस्ट्रक्चर कर रहा था, मैंने कहा जी चले इसमें से कुछ प्रॉपर्टी को मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, किसको आईडी को और नाम के पास। अब ये अभी हमने पढ़ा है, इनको मैं डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ। हाँ अब जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई है तो साथ ही क्या गाजर कर रहे हैं, इनको बुलाया गया क्या कर रहे हैं, कोई पढ़ने का मूड नहीं है यार, इतने पैसे दे के भी अगर आप डेवलपमेंट नहीं सीख रहे तो फायदा क्या हुआ, बाहर इस चीज पर जरा खुद गौर करें। अच्छा जी ये देखिए मैंने दो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर कर लिया, अब जो बाकी बच जाने वाली प्रॉपर्टी है मैं कहता हूँ इन सब का एक सेट बना, कैसे उसके लिए मैं कॉमा करके डॉट 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 रेस्ट ऑपरेटर दे। अच्छा रेस्ट फिक्स कीवर्ड नहीं है, ये एक कन्वेंशन है, रेस्ट का अगर डेफिनेशन या मीनिंग दें तो इसका मतलब होता है बच जाने वाली चीज। अब जो बाकी बच जाने वाली प्रॉपर्टी है वो सारी रेस्ट में आ गई, कौन सी बच गई है ये वाली। अब अगर देखें मैं खाली रेस्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो वो तीनों प्रॉपर्टी इसमें आ गई, इन तीनों का एक सेट बन जाएगा, सिर्फ वही वाली है। आप अपना अब हाम दूर करने के लिए ये भी कर सकते हैं, मैं आपको इसको रीनेम करके चेक भी करवा देता हूँ, आप ये ना समझे
कि ये रेस्ट भी लिखना है तो काम होगा, ये ले मैं रेस्ट की जगह पे ए लिखू, कंसोल डॉट लॉग ए। तो फिक्स वर्ड नहीं है। अब अगर आप गौर करें, एक आपने डॉट 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 इस तरफ एक पढ़ा और एक डॉट 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 इस तरफ एक पढ़ा, एक इक्वल साइन के राइट साइड पे आपने पढ़ा, वो स्प्रेड ऑपरेटर होगा। जो इक्वल साइन से लेफ्ट साइड पे होगा वो रेस्ट ऑपरेटर होगा। काम ये भी वही क्लोन कर रहा है, उनको क्लोन कर रहा है, स्प्रेड ऑपरेटर भी क्लोनिंग ही करता है, लेकिन वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की करता है, ये उनके प्रॉपर्टीज की करता है, कुछ प्रॉपर्टीज की। ये रेस्ट ऑपरेटर, और ये इतनी मजे की चीज है, मैं एक आपको, एक फंक्शन है मेरे पास, मैं एक पुराना फंक्शन जरा बना लेता हूँ, ओल्ड मेथड से बना लेता हूँ, सम ओके, जहां पे मैं इसको दो वेरिएबल दे देता हूँ, फिलहाल रिटर्न अगर मैं कर दूँ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जाके अगर मैं सम को कॉल करूँ और दो नंबर दे दूँ, इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो रिटर्न किया होगा तो अब सीधा आ जाएगा। व्हाट इफ अगर यूजर एक वेरिएबल दे दे और यूजर ने कसम खाई कि आपका प्रोग्राम उसने फेल करना ही करना, तो वो कामयाब हो गया, उसने एक नंबर दिया जबकि आपने तो फार्मूला लगाया हुआ दो का। अच्छा वैसे आप जवाब क्या आएगा इस जगह पे? जवाब हाँ जी, जवाब क्या आएगा? ये दूसरा लेक्चर होता है ये वाला, यार एक एक्स को मैं वाई के साथ प्लस कर रहा हूँ, वैल्यू उसको एक दे रहा हूँ, जवाब क्या आएगा? हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जो समझता है इसका आंसर परफेक्ट दे सकता है, इसका जवाब ये है एन ए। पहले जवाब देख लें फिर मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता। इसके लिए हम किसी और जगह पे थे तो हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, हम अभी जेन में रखना है, हम पढ़ रहे थे रेस्ट ऑपरेटर, उधर ही आना है। उसको सीखने के लिए आपको दो तीन चीजें नई सीखने को मिल जाएंगी। मैं लेट ए लेता हूँ, एक्स लेता हूँ 5, और लेट वाई कुछ भी मिल गया, ऐसे ही हो रहा है ना, एक में वैल्यू दी एक में नहीं दी, मैं इनको करता हूँ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट टाइप ऑफ एक्स कर लो और टाइप ऑफ वाई कर लो। एक्स की टाइप क्या आएगी? इंट इंटीजर, और इसकी टाइप क्या आएगी? अनडिफाइंड। जब आप एक अनडिफाइंड के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब जवाब आता है एन ए। ये देख, अब अगर आप इनको यहाँ पे कैलकुलेट करके करें प्रिंट, और यही वाला काम आपके फंक्शन में हो रहा था, एक तो वैल्यू उसको मिल गई थी, दूसरी वैल्यू नहीं मिली, तो अल्टीमेटली एक अनडिफाइंड रहेगी, एक को वैल्यू मिल गई। जब अनडिफाइंड के साथ आप एक नंबर के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब एन ए एन आता है। ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, छठी डेटा टाइप, एन ए एन अनडिफाइंड नंबर स्ट्रिंग बूलियन, ये बेसिक डेटा टाइप जिनको आप कहते हैं, ये भी डेटा टाइप होती है। वो कहते हैं बाद में इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे साबित करें कि एन ए एन कैसे आता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि एन ए एन का रिजल्ट मुझे ला के दिखाओ, सिंपल जा गया आप टाइप वैसे ही करते हैं तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, इसका फिलहाल बेसिक तरीका तो यह है कि आप उनको कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे, इनको कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब ठीक है, अब देखिए मैंने एक्स को भी 0 दे दिया और उसको भी 0 दे दिया, अगर कोई वैल्यू 1 दे देगा तो वो दूसरे को 0 दे देगा, अगर वो दूसरी वैल्यू दे देगा तो वो दूसरी वैल्यू भी पास कर देगा। मैं यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ, 11 हो गया, लेकिन ये कोई अप्रोच
कुछ हद तक तो चले कामयाब है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इतनी मुनाफा बख्श नहीं होंगे भाई। हाँ कैसे, इसको मैं करता हूँ कॉपी। जब मेरे पास मुझे पता ही ना हो कि यूजर कितने एलिमेंट दे देगा, मिसाल के तौर पे यूजर 2 दिए, चले 2 किया तक तो ये मेरा ऑपरेशन कामयाब है, ठीक है ये। हाँ अगर यहाँ पे यूजर 3 दे दे, अगर यूजर 4 दे दे, यहाँ पे 4 नंबर दे दे, 5 दे दे, फिर क्या करें? उसके माइंड में आज बात वो बैठा, उसको गुस्सा चढ़ा, वाला नंबर ही लिखना स्टार्ट है। उसने कहा आज इसका प्रोग्राम मैंने फेल करके सुन, अब आप तो फंस गए क्योंकि आपने तो लॉजिक लिखी ही दो ये है। इसका बेटर और इफेक्टिव सोल्यूशन क्या होता है वो देखें जरा। ये अभी के लिए फिलहाल मैं ये दे, बजाय इसके आप अलग अलग वेरिएबल दे दो। अभी हमने ऑपरेटर एक पढ़ा है, आप इसे कंसोल डॉट लॉग करके दे, मैं उसको 1 नंबर दे रहा हूं, इसको ए में स्टोर कर लेता, ए तो 1 नंबर उठा लेगा। अगर मैं इसको 2 नंबर देता हूं तो 2 नंबर भी पिक कर लेगा ये। मैं 4 और 5 देता हूँ और यहाँ पे कर दें बी। मैं एक और नंबर दे देता हूँ यहाँ पे सी, इसको मैं आप ज्यादा सारे नंबर दे देता हूँ ये। अच्छा ओके, हम यहाँ पे रिटर्न देखें, वो ये कोई इसकी लिमिट नहीं है आपके जहन में है तो। अब मैंने फंक्शन को तो कुछ भी नहीं दिया, रेस्ट से मुराद क्या है बात जाने वाली, वो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी दे रहे 100 दे रहे, वो 100 100 की 100 को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी देते रहे ये वो सब को एक्सेप्ट कर देगा। अच्छा वो हमने सी भी किया हुआ, इधर कर दें डी, यहाँ पे कर दें डी। एक चीज गौर करने वाली है, वो ले किस फॉर्मेट में रहा है, अरे 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 को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ये वाली अरे है, इसका मैंने टोटल करना है, तो कैसे करेंगे टोटल? मेरे पास एक अरे है, उसका मैं टोटल करना चाहता हूँ, इसके अंदर जितने नंबर हैं उनका टोटल क्या होगा, कैसे करेंगे? तो टोटल ही करना है ना, खराब है टोटल कराएं यार, फॉर लूप लगा दें। अरे यार मुझे कोडिंग आती है, ये आप लोगों ने सीखी है। ये देखें तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू सम और नाम होगा। और यहाँ पे जाके शाम को प्रिंट करा लें और शाम मैसेज दे दें तो चल। तो भैया आपको ये वाली भी तो रेंज मिल गई है ना, इस ये फंक्शन ये वाली लॉजिक आप फंक्शन के अंदर दे दो। अरे को फंक्शन को पास करना सबसे मुश्किल काम होता है। अब जैसे पास करना, सिंगल वेरिएबल पास करना, 2 पास करना, काम ही कोई नहीं। अरे किसी भी फंक्शन को पास करना एक मुश्किल काम होता है, जिसके लिए हमने या डिफरेंट डेवलपर ने सोचे सोचे स्प्रेड ऑपरेटर को अपने मकसद के लिए देखें इस्तेमाल करके। किसी ने सोचा ही होगा ना कि स्प्रेड ब्रेस्ट का मतलब बात जाने वाली,
तो जो भी चीज है वो बच जाने वाली में कंसिडर करते हैं एज एन अरे, और अरे को टोटल करने का। अरे अगर आपको पूरी मिल जाए तो आप अरे के साथ सोच भी नहीं सकते आप कितने काम कर सकते हैं। आप जितने भी ये अरे में डाटा पड़ा हुआ है, ये सारा अरे में पड़ा हुआ है। जब कार्ड में गए थे तो कार्ड में भी डाटा अरे में पड़ा हुआ है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ज्यादातर आपको मिलती ही अरे है, क्योंकि एक डाटा तो होता नहीं, मल्टीपल डाटा होता है। जब मल्टीपल डाटा यू नीड वन अरे, अरे में काम करना ज्यादा पड़ता है लेकिन उसके सोल्यूशन काम है। ये फंक्शन के अंदर बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट प्रे। हाँ जी, थोड़ा सा प्रोडक्ट मॉडलिंग कर लें इससे पहले क्या बाद में मेरे जहन में भी ना रहे, आपको कोई हफ्ते का टास्क कथा दे के भेजे। अच्छा है, चलो जी प्रोडक्ट मॉडलिंग। अच्छा सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप क्लियर है आपको? हाँ, बेसिक डेटा टाइप क्या है? लेटेक्स एक आप लें, लाहौर, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप नंबर भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप लेट जी इक्वल टू ट्रू, ये बेसिक डेटा टाइप है। ठीक है, इसके आगे बेतहाशा मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड बेतहाशा। अब मेथड पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा गुजर जाना। स्ट्रिंग के मेथड भी पढ़े हैं आपने? स्ट्रिंग के मेथड मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ एक ही वेरिएबल को पकड़ के उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके हम टाइप तो देख ही सकते हैं, ये तो आपको पता ही है टाइप ऑफ है। ये लो स्ट्रिंग है, इसको कॉपी करके इधर रखते हैं। इसके अंदर कितने वर्ड हैं, लाहौर के कितने वर्ड हैं? एक्स डॉट लेंथ, वो ऐसे नहीं ना पता करना। अगर बहुत ज्यादा लंबा मैसेज लिखा हो, दिस इज अ न्यू पाकिस्तान, चलो स्पेस भी वो काउंट करता है। लेंथ एक्स डॉट लेंथ। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इन सब अल्फाज को बड़ा करना है, तो इसका मेथड होता है टू अपर केस, टू अपर केस, और ये फंक्शन की तरह काम करता है। अब जितने भी वर्ड हैं वो सबको बड़ा करते हैं। इसी तरह इसको लोअर भी कर सकते हैं आप, स्मॉल वर्ड में भी लिख सकते हैं, टू लोअर केस। अब वो ऑटोमेटिक सारे स्मॉल हो गए। मैं चाहता हूं मैंने इस वर्ड का कुछ हिस्सा काटना है। बार दफा जब आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे ना, प्रोडक्ट की इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन होगी, आप सारी वही कार्ड भी शो नहीं करवाते, उसको आपको कट करना पड़ता है। देखो ना इतना लंबा चौड़ा नाम आप क्यों रखेंगे प्रोडक्ट का, हो सकता है आपने बिल्कुल स्मॉल सा नाम दिखाना। ये अभी अगर आप इसको देखें तो एक अजीब सा इतना लंबा चौड़ा नाम बांटे, मैं चाहता हूँ इतना नाम दिखाने में नहीं। इसको आप काट सकते हैं डॉट स्लाइस, 0 से लेके उसके 20 वर्ड्स का। अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर लो, जितनी मर्जी आप कटिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो स्लाइस। इसके अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ क्या कुछ स्पेसिफिक वर्ड इसमें मौजूद है, इंक्लूड, क्या इसके अंदर परसेंटेज का साइन मौजूद है। या इसको समझने के लिए एक अच्छी एग्जांपल बना लेते हैं। लेट मैं कहता हूँ यूजर ईमेल इक्वल टू, उसने दे दिया अली आर यूर जीमेल डॉट, हो सकता है उसने जानबूझ के बेचारे ने गलत टाइप कर दिया हो, गलत मिस हो गया हो। यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं, पहले तो चेक करें ना कंसोल डॉट लॉग यूजर ईमेल डॉट इंक्लूड, क्या उसके अंदर एट द रेट है, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। नहीं है, इसको अब आप यहाँ पे अपना आप वैलिडेशन लगाएं। इफ यूजर ईमेल है ट्रू है तो कह दो जनाब वेलकम टू डैशबोर्ड, जो भी डैशबोर्ड बना होगा उसके वेलकम कर दें, अदरवाइज आपको कह दें जनाब इनवैलिड ईमेल और क्रेडेंशियल। नहीं, आपकी ये देखें वैलिडेशन भी फॉल्स पे क्यों कह रहा है,
एक युवक ये आप मुख्तलिफ चीजें उसके साथ चेक कर सकते हो। प्राइस की है तो उसके साथ वो डॉलर का साइन है, या कोई भी चीज आप फाइंड करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक वर्ड के अंदर क्या ये चीज मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपने फोन नंबर दिया, आपको पता है पाकिस्तानी जब फोन नंबर इंटरनेशनल लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ क्या इसके पहले वाले डिजिट में +92 मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कह दो यार आपने मोबाइल नंबर ही सही नहीं दिया। ये एक तरीका भी आ गया। डे जी एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते, स्ट्रिंग के मेथड बहुत ज्यादा है। एक कोई स्पेसिफिक मैसेज ले लेते हैं, यहाँ पे कह देते हैं वेलकम सर। क्या या आप ये लिख लें, अक्सर आपके डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम पड़े हैं अक्सर, या आप कह लें जमील सर। क्या ये आपके पास जो रिकॉर्ड पड़ा है क्या उसका पहला वर्ड किसी स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सर्चिंग करनी है तो उसके लिए मेथड होता है मैसेज डॉट स्टार्ट विद। क्या ये स्टार्ट विद जे हो रहा है, क्या जवाब आएगा। कॉल तो मैंने जे बड़ा कर दिया ना, वो स्मॉल है, ये केस सेंसिटिव भी होता है। अगर आप स्मॉल करेंगे तो वो स्मॉल सर्च करेगा। हाँ रन टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि यूजर फर्ज करें पासवर्ड दे रहा है, आप पासवर्ड को जब स्टोर करवा रहे हैं डेटाबेस में, यूजर ने जैसे मर्जी दिया आप उसको सेव करने से पहले सारे कैपिटल वर्ड्स में ताकि कंपेयर करना आसान हो। इसी तरह भी लोग करते हैं ये, बजाय इसके जब मैं इसको स्टोर करना चाह रहा था तो मैं ऐसे ही करूंगा मैसेज डॉट टू अपर केस। ये इसको नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एबीसी। अब अगर आप यहाँ पे जाके इसको करें जे और यहाँ पे करते हैं एबीसी, अब आपकी कमांड ठीक है। डेवलपर ऐसा भी करते हैं, लाजमी नहीं कि आप सीधी सीधी चीजें करें। अब क्या कह रहा है स्टार्ट विद और पहले इसको फंक्शन बनाया ना। ये छोटी छोटी चीजें मिलके ना इसी तरह आपका प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। देखें जी मैं इसमें कुछ चीज फाइंड करना चाहता हूँ तो फाइंड का मेथड होता है, फिल्टर आपने पढ़ लिया। अच्छा फिल्टर और फाइंड में एक बेसिक डिफरेंस है, फिल्टर जितनी भी चीजें ट्रू होंगी वो रिटर्न कर देगा, फाइंड में पहला रिकॉर्ड जहां पे उसको मिल गया उसने फौरन आगे हवाले कर दिया। आगे मिसाल के तौर पे आगे भी कुछ चीजें आएंगी ना, ज्यादा डाटा भी आएगा आपके पास, यहाँ पे करे है ए कॉमा बी कॉमा सी फिर कॉमा बी कर ले ए ना कंसोल डॉट लॉग इसको कर ले यहाँ पे नम डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है ए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट, इसको प्रिंट करवा ठीक क्या कह रहा है फाइंड। अच्छा ठीक है ओके ओके ये इस तरह इसको इस तरह नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, इसको आपको एज ए मैप देना पड़ेगा मैप की तरह, जैसे वो मैप और फिल्टर भी है ना नाम डॉट फाइंड। वन बाय वन आपके पास एलिमेंट आएगा और एक्स अगर इक्वल है ए के तो मुझे रिटर्न कर दो रिजल्ट। ये पहला रिकॉर्ड ही देता है, ये कई जगह यूज होगा। मिसाल आपके डेटाबेस में इमरान नाम के 10 स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ यार जो पहला वर्ड इमरान मिल जाए मुझे वो दे दो पहला रिकॉर्ड, और अगर आपने सारे लेने हैं तो वो अब आपको पता ही है फिर फिल्टर लगा दो। अगर आपने सारे सिमिलर रिजल्ट लेने हैं फिर फाइंड की जगह आप खाली फिल्टर लगा दो, ये जो जो इस कंडीशन पे पूरा उतरेगा वो सारे दे। दोनों का यही डिफरेंस है, वो पहला रिकॉर्ड जैसे ही मिलेगा ये नादरा वालों ने ये कीड़ी लगाई है, वो शनाख्ती कार्ड सर्च करते हैं
अब गिनाती कार्ड जहाँ पे पहले 4 डिजिट या आखिरी 4 डिजिट सेट करते हैं, जैसे वो मिल जाते हैं वो रिकॉर्ड को फाइंड जाते हैं। इसको फाइंड करने में टाइम भी काम लगता है। फिल्टर ने सारा प्रोसेस करना है, इसको जहाँ पे रिकॉर्ड मिल गया उसने हाइड्रेशन खत्म कर दिया। हो सकता है उसको पहले नंबर पे मिल गए, वो आगे जाएगा ही। फिल्टर ने एंड तक इसको हाइड्रेट करा, तो इसमें टाइम भी काम लगता है। ये सिनेरियो बेस्ड होती है, ठीक है। अगर मैंने किसी चीज का इंडेक्स फाइंड करना है, वो फाइंड डेटा बेस की दिमाग है, मोंगोडीबी। वो मोंगोडीबी की कमांड है, डेटा बेस को लिंक होती है, नम डॉट फाइंड इंडेक्स। इसका इंडेक्स देखना सी का, फिर वही मसला, इंडेक्स ऑफ सी का इंडेक्स क्या है? अगर आपको इंडेक्स ही मिल गया तो आप इसको जहां से मर्जी उड़ा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसके साथ जो मर्जी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये छोटी मोटी कमांड है, याद कर लीजिएगा। टाइम थोड़ा रह गया, मैं आपको प्रोडक्ट मॉडलिंग सिखा रहा, इससे पहले कि आप पूरा हफ्ता घर जाके तमाशा शो देखते रहें, टाइम लगता रहेगा ना। वो जी भी उन्होंने काम शुरू किया, सारी दुनिया से बैठ गए, पता नहीं इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं। अच्छा जी, देखें, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आएंगी, एक तो आपने बेसिक डाटा टाइप पढ़ ली, उसके बाद अरे क्यों बनाते हैं, अरे की क्या क्वालिटी है, जब एक ही तरह का मल्टीपल डाटा हो तो अरे बना लेते हैं, जब मिक्स डाटा टाइप का हो तब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, मैं लाइव ही ये वाली कोई प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ अमेजोन, इसी की हम मॉडलिंग कर देते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होती है अमेजोन की। ले जी, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम जरा हम स्मॉल कर लेते हैं, इतना बड़ा नाम हमें क्या करें, कॉपी लेट प्रोडक्ट। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, उसको पी नेम का दिया। हर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी आईडी भी होती है, आईडी दी हो या ना दी हो या आप खुद देते हैं, ताकि उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आईडी भी आगे चलते हैं, अवेलेबल अनअवेलेबल, करंटली अनअवेलेबल, इज अवेलेबल फॉर, प्रूफ फॉर मौजूद है या नहीं है। इसकी बेस पे आप कल को कार्ड बनाएंगे। अक्सर डेवलपर गलती करते हैं, मतलब आपको रियल लाइफ में कई दफा ऐसा होगा कि प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं भी होती है, वो यूआई पे शो कर रहे होते हैं। उसका बेहतर हल होता है कि अगर आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, साथ रेड मैसेज दे दो आउट ऑफ स्टॉक। हालांकि कई वेबसाइट में लिखा भी होता है कि यार फ्यू आइटम्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी खरीद लें, वो सही लोगों को भी बनाया होता है, पूरा गोदाम भरा होता है, इधर लिखा होता है जनाब 2 आइटम्स रहे, तो इधर पता होता है 200 आइटम पड़ी हुई है। अच्छा चले, वो तो एक अलग साइंस है। बार दफा ये भी मिस्टेक करते हैं कि स्टॉक खत्म हो जाता है लेकिन वो यूआई पे नजर आ रही है, यूआई पे नजर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ये प्रॉपर्टी बनाई जाती है, ये देखो इज अवेलेबल आ गई। इसके अलावा कलर, 3 कलर है, इसको कैसे स्टोर करूंगा, एक ही तरह का डाटा। कलर की प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो आप लिखेंगे ब्लू रेड ग्रीन, मल्टीपल डाटा एक ही तरह का, हम एक रे बना सकते हैं कलर्स, ये रे बन, फिर आप ब्लू कर दें कॉमा, ब्लैक कर दें कॉमा, पिंक कर सकते हैं, या कलर पिंक की जमा दें। तो ऑब्जेक्ट किस लिए बनाया जाता है, इसमें मिक्स डेटा टाइप है, जब एक ही डेटा टाइप आ रही है इसके बना लें, लाजमी नहीं कि आप जबरदस्ती ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, यही तो मॉडलिंग होती है, यही सोचना आपका काम होता है। आगे चलें, साइज, इसमें भी वेरिएशन है, 2 साइज हैं, साइज भी लिख लें। फिर अरे, 256 और 512, 256 GB कॉमा 512 GB,
ये भी खत्म। अब आगे चले, स्टाइल की जरूरत नहीं है, स्टाइल ठीक है, ब्रांड लिख लें सैमसंग। ईयर लिख लें इसका 2023 पे। प्राइस नहीं लिखी इसकी हमने। चले कि प्राइस भी लिख देते हैं यहाँ पे, किधर आप साल इसके लिए क्या प्राइस 200 डॉलर। चले ये होगी। अच्छा इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखें आपने सैमसंग वी फोल्ड खरीदा, हो सकता है आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल गई हो, और प्रोडक्ट पे लोग रिव्यूज देते हैं, ये बात ठीक है, कस्टमर रिव्यूज देते हैं भाई, कभी ये सुना है कि प्रोडक्ट पे रिव्यूज देते हैं? क्या एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल लोग रिव्यूज दे सकते हैं? पहली तो बात यह कि मैं पहले किसी एक बंदे का रिव्यूज देता हूँ। अब एक बंदा जब रिव्यूज देता है तो उस यूजर की अपनी प्रॉपर्टी, किस बंदे ने किस ब्रांड को कौन सा रिव्यू दिया, एक पर्सन दे रहा है ना, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पहले, कमेंट्स ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यू आई डी, उस वो कौन सा यूजर था, उसकी अपनी शिनाख्त होगी, उसकी अपनी आईडी होगी, उस यूजर का नाम क्या था, मैं क्या था असल, उसने कमेंट्स क्या दिए, उसने सब्जेक्ट दिया होगा पहले, ऊपर लिखा होता है प्रोडक्ट का नाम, नाइस प्रोडक्ट, चलो, और इसको डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, वो ज़्यादा रिजनेबल होगा, नाइस प्रोडक्ट। जब इसको प्रोडक्ट अच्छी मिली तो इसने रेटिंग भी अच्छी कर दी, आउट ऑफ 5 इसने 4.5 कर दी, इज अप्रूव फॉर। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए शायद पहले तजर्बात में बात आई हो या सुनी हो कभी, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो भी मॉडरेट होते हैं, अच्छी कंपनी जो है जब आप कमेंट्स देखते हैं वो फॉरन पब्लिश नहीं कर देते, यहाँ पे बंद कर, वो पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, अगर कमेंट्स अच्छे हों तो वो पब्लिश करते हैं, अदरवाइज वो कमेंट्स को साइड पे टोकरी में डालते हैं, जो कि हमारे साथ एक तजर्बा। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, अगर बुरे कमेंट्स लोगों को नजर आएंगे तो कोई दूसरा यूजर खरीदेगा ही नहीं, सो वो कमेंट्स को भी अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। बाय डिफॉल्ट उन्होंने देखें स्टेटस बना के रखा है फॉल, इसने फॉरन पब्लिश नहीं हो जाए, ये एडमिन के डैशबोर्ड में जाएंगे सारे कमेंट्स, उसने वहां पे फिल्टर लगाया कि कोई ऐसा वर्ड आ गया बैड या रेटिंग कम है, 3 से कम है, तो उसको अप्रूव ही ना करो, या हो सकता है मैं एक फॉर लूप या मैप लगा दूं, 2000 प्रोडक्ट्स पे कमेंट्स आए हैं, मैं मैप लगा दूंगा, अगर रेटिंग 3 से कम है तो उनका स्टेटस फॉल्स वाला है, उनको फॉल्स करके एक साइड पर रखते हैं, जो 3 से ज्यादा है उनको ट्रिक करके यूआई पे शो कर, ये बड़ा मजे का काम होता है अगर छोटी छोटी चीजें हैं इसके, अगर एल्गोरिदम और टेक्निक सोचें तो पूरी प्लानिंग के साथ चीजें बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस फॉल्स भी होगा। अच्छा ये एक बंदे ने कमेंट्स लिए, ठीक है, हो सकता है ये वाली प्रोडक्ट किसी और बंदे ने भी खरीदी हो, क्या एक सैमसंग एक बंदा ही खरीदता है, मल्टीपल लोग खरीद सकते हैं, जब मल्टीपल लोग आ गए हैं ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ गए, मतलब एक पर्सन की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में हम एंटर कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अरे बन मैं एक और बंदे का यहाँ पे डाटा ले लेता, उसकी यूजर आईडी 2 होगी, नाम उसका चलो जवेद रख लेते हैं, इसने कहा जी आप फॉल्टी प्रोडक्ट, और इसको गुस्सा चढ़ा, इसने 1 दे दिया। चलो एक और बंदा आया, इसकी आईडी 3 है, ये काम कर, इसने कहा जी नॉर्मल प्रोडक्ट, बस इस वो अच्छे मूड में नहीं था, उसने 3 दे दिया। अच्छा जी ये अभी अगर आप गौर करें, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये डेटा मॉडल,
और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का हो सकता है आपके पास कितने सैमसंग पड़े हैं, इसका अपना स्टॉक भी तो होगा ना, कि आपके पास मोबाइल के कितने पीस पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि इसका कह देते हैं कि काउंटिंग स्टॉक, मेरे पास 12 पड़े हैं, इज ऑन सेल, सेल भी अमेजोन की लगती रहती है, 10 10 11 11 12 12, फिलहाल इस वक्त सेल नहीं, कॉल और इज अवेलेबल, अवेलेबल तो हमें ऊपर प्रॉपर्टी ले रही है, ठीक है चलो इतनी बात नहीं। ये एक प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट बना, तो क्या मेरे पास अगर मैंने किसी और प्रोडक्ट का डाटा बनाना हो इसका, तो इसमें भी प्रॉपर्टी तो यही होगी ना, डाटा ही बदलेगा ना, फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। सो जब मुझे सेम ऑब्जेक्ट एक और बनाना है, तो मैं इस पूरी को उड़ा के इन सब को एक अरे में रैप कर देता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से, एक अरे बना देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता इसी तरह का। ये अब इसका नाम ले लेते हैं, यहाँ पे उसकी ID 2 हो जाएगी, अब इसका नाम लिख लेते हैं दूसरी प्रोडक्ट का, सैमसंग गैलेक्सी G4, इसका नाम 5 सेल्फ में बना देते हैं, ये तो वही करें। लें इसको पकड़े, टॉपी फिर प्राइस इसकी कर लें जनाब आप 799 डॉलर, इज अवेलेबल प्रो, इसके अब कलर देख लें, इसके कलर ज्यादा हैं, ब्लैक है, सियान डार्क सियान कर लें, लिवेंडर, ये कौन सा क्रीम कलर, इसको कर लेंगे क्रीम, लिवेंडर, ये लिवेंडर ग्रीन, ये कौन सा ग्रीन, ब्लैक, फैंटम ब्लैक। चलो इसमें और क्या है, इसमें 256 और 512 मिल रहा है, ओके कंपनी सैमसंग ही है, 2023 मॉडल। अब इस पे ये कोई और लोग थे जिन्होंने खरीदी ये प्रोडक्ट, उनकी अलग अलग आईडी, उनकी अपनी आईडी, अब उन इस प्रोडक्ट के वाइज उनकी आईडी दोबारा से स्टार्ट होगी। इस पे आया जनाब जुनेद आज, उस पे मिली उसने कहा जी सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और जब सब स्टैंडर्ड मिली डब्बा खोला तो उसने 2.5 पॉइंट्स के लिए, चलो यहाँ पे आ गया जी दानिश, ये बहुत खुशी में था, पापा ने पैसे दिए, अच्छी प्रोडक्ट मिली, नाइस नहीं इसको कह देते ऑसम, और इसने 5 रेटिंग दी। चलो एक और इस पे दो लोगों ने दिए, हो सकता है इस पे खरीदी दो लोगों ने, इसका काउंटिंग स्टॉक मेरे पास टोटल 7 पीस पड़े हैं जी, इस वक्त ऑन सेल है, हाँ जी ये सेल है भाई, जानबूझ के हमको वेरिएशन तो रखे ना, मेरे इसी तरह तो सवाल बनेंगे, मैं सीधे सीधे रख दूंगा तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। एक और बना रहा हूँ, टाइम होना चाहिए तो 6 7 घंटे की क्लास होनी चाहिए अगर कोडिंग सीख, असल में ना हमारी आदत हो चुकी है, हम 8 8 घंटे पढ़ा चुके हैं, तो हमें 2 घंटे बिल्कुल थोड़े से लगते हैं। घंटे तो काफी हम करते गुजर जाते हैं, इतने गलत, पिंक गोल्ड लेंगे, पिंक गोल्ड भी होता है कलर, पिंक गोल्ड बाकी चारों पांचों सेम ही रखते हैं, और ये कौन सा कलर है, गोरा पत्थर, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की बात, चले ये
128 में भी है, 128 सैमसंग है 2023 पे नए लोग आए, अब ये जुनेद ने भी खरीदी, किस दफा उसको अच्छी मिली, किसने कमेंट्स भी दे दिए, स्कोर दे दिए, नो प्रूफ, किधर आया रिजवान, चल इसने कहा जी एवरेज प्रोडक्ट, अब एवरेज है तो 3.5, एक और चले इस पे कमेंट्स बढ़ा देते हैं आप 2-3, इस पे 4 कर देते हैं, अब वेरिएशन भी तो रखते हैं ना, इस पे रख दें हसन, चल इसने कहा जी गुड प्रोडक्ट, 4 दे दिए, एक बंदा और आया 104 एसन, इसने कहा जी बस नॉर्मल पर नॉर्मल है तो 2.5, चलो फाउंटेन स्टॉक सिर्फ 2 पीस रहा है, इज ऑन सेल, तो सेल ही लिख दिया ऊपर, इसको करना ट्रू, हाँ जी। अब अगर किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना है, पहले तो टारगेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं चाहता हूँ असलम ने कितनी रेटिंग दी, कैसे प्रिंट कराएंगे, हाँ जी एक मिनट भाई कोई बोले नहीं, तो आगे आपका टेस्ट भी हो गया, गूगल चैट भी किसी से देख ले, ये मैं चाहता हूँ असलम ने कितनी रेटिंग दी, कैसे पता चलेगा प्रिंट कराएंगे, कुछ जवाब चैट जीपीटी भी नहीं देता, जो देता तो बहुत मुश्किल देता है, लंबी गहरी सुनो, हाँ जी आप बताएं प्लास्टिक क्या नाम है, हाँ जी बताएं, मैं जाता हूँ असलम ने कितनी रेटिंग दी, बिल्कुल सीधा सीधा सरल भाषा में करते हैं, हाँ जी कोई बता दे भाई, मैं चाहता हूँ यूआई पे लिखा है नाम असलम और रेटिंग 4.5 ऐसे लिखा, तो यार पहले देखे ना ये क्या है, अरे पहले तो आप जाए ना प्रोडक्ट का आप इधर बनाए साफ बताओ, आपकी इधर क्यूरी लिखते जाए, बाद में नीचे ले जाए कंसोल डॉट लॉग, प्रोडक्ट्स में गए और ये कौन सा इंडेक्स है पहले वाला, जीरो जीरो पे आ गए, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, कमेंट्स में जाना है, कमेंट्स क्या है ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए ना, अब तो यहाँ पे डॉट कर ले, कमेंट्स आ गए, आगे फिर अरे है, अरे असलम कौन से इंडेक्स पे है, तो जीरो लगा देंगे, और नेम प्रिंट कराना है तो डॉट नेम, और अगर रेटिंग भी करानी है तो यू नेम है उसका, यू नेम और रेटिंग्स, ये काम है सारा, अब इसको जावे नीचे उठा के आप चेक कर लें, इधर सबसे पहले आपने खेलना है, घर जा रहे हैं 2 घंटे, इसके साथ वैसे ही मुख्तलिफ रैंडम प्रॉपर्टी प्रिंट करानी सीखनी है, जब तक आप इस तक पहुंचना नहीं ना सीखेंगे तो आप लूप कैसे लगाएंगे, फंक्शन कैसे लगाएंगे, मैथ कैसे लगाएंगे, पहले तो सिंगल सिंगल को एक्सपेरिमेंट करें, और जब आपके एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएं 1-2 दिन आपने कुछ देर बात करने हैं, जब आप कामयाब हो जाए तो ये टास्क सॉल्व करना है, ले पहला नंबर 1 प्रिंट टोटल अवेलेबल स्टॉक, मेरे पास टोटल स्टॉक कितना है, प्रिंट टोटल अमाउंट, अब मुझे ये पता चले कि इस वक्त मेरे पास कितने एसेट्स पड़े हैं, हो सकता है मैंने एक नई ब्रांच खोली हो, मैं हिसाब किताब लगाना चाहता हूँ मेरे पास इस वक्त कितना पैसा पड़ा, ले यहां पे मैं ये देखना चाहता हूं, प्रिंट दोज प्रोडक्ट्स विच आर ऑन सेल, प्लेस एनी एग्जिस्टिंग आइटम ऑन सेल इफ ऑलरेडी नॉट अवेलेबल ऑन सेल, अब इससे मुराद है किसी इनमें से कोई एक ऐसी प्रोडक्ट पकड़े जो पहले सेल पे नहीं है, 14 अगस्त आ रहा है तो 14% ऑफ लगा,
आजादी होती है, एक प्रोडक्ट को आप 14% ऑफ लगा सकते हैं। देखे ना ब्रांड्स पे लगे हुए हैं, खाड़ी पे मैं 2 दिन फिर वर्फा में लेट पहुंचा तो फायर और खाड़ी की वजह, ऐसे इतनी लंबी लाइनें। तो बाढ़ में वहां टाउन रहता हूँ, तो बाढ़ टाउन में इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, वैसे यूटिलिटी स्टोर पे आटा मिल रहा है, रमजान में इतनी लाइनें नहीं। और दोनों सड़कें फुल, वो बेचारा वार्डन परेशान, मैं गुजरते उसको मैंने छेड़ा, मैं कहा यार लाइन लगी आप भी एक ले लो, ड्राइवर को संभाल ही नहीं जा रही, मैं क्या कम से कम कोई बेनिफिट लो, एक सूट ही ले लो, घर वाले भी हो जाएंगे। आपने नेकी कमानी है, ये देखें कोई एक प्रोडक्ट जो पहले सेल पे, ये तो पहले लगी हुई है, आपने या तो इसको सेल पे लगाना है और ऐसे पकड़ के नहीं लगा देना कहीं ट्रू कर दे, कमांड से और प्रोग्रामिंग से इसको सेल पे लगाना है। ये अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं, अगर 3,000 या 3 लाख प्रोडक्ट्स हैं तो ये थोड़ा कि आप इनके स्टेटस ही बदलते रहोगे। प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर को एक फॉर लूप लगाएगा, चाहे 2 लाख है सब सेल पे लग जाए, आपने कोई भी एक आइटम सेल पे लगानी। हाँ प्रिंट, प्रिंट टोटल नहीं, प्रिंट एवरेज रेटिंग, ये ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल करना पड़ेगा, मैंने जानबूझ के एवरेज दिया, इसमें 3-4 स्टेप आ गए। हाँ और आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, क्या मिस्टर फलां हैज गिवन इतनी रेटिंग्स ऑन, यहाँ पे रेटिंग आ जाएंगी और ऑन प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम। ये एक ऐसी लूप बनाए जिसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पहले उनकी एवरेज निकालें, फिर देखें आप बिना के अमजद ने इतने इस प्रोडक्ट पे इतनी रेटिंग दी, कामरान ने इस प्रोडक्ट पे इतनी रेटिंग दी, ये वाली आपने लाइन फिल करनी, लेकिन कोई कंडीशन या लूप एक ही हो। और अनफॉर्चुनेटली मेरे टास्क गूगल से या चैट जीपीटी से भी नहीं, क्योंकि तो ये अभी हमने प्रोडक्ट बनाई है, ऐसा कोई रिकॉर्ड गूगल पे अवेलेबल ही, इसलिए टास्क मैं लाइव ही बनाता हूँ, ये वही लोग सॉल्व करेंगे जिनकी लॉजिक स्ट्रांग होगी। हाँ अगर इफ रेटिंग इज इक्वल टू फोर और ग्रेटर देन फोर, तो उनके जो कमेंट्स हैं देन अप्रूव देयर कमेंट्स। हाँ अब ये तो लॉजिकल बात है, जिन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए हैं उनका आपने स्टेटस बदलना है, ये वाला जो इज अप्रूव है ना इसे ट्रू करना, लेकिन उनका इनकी रेटिंग 4 या 4 से ज्यादा। हाँ और एक और इंटरेस्टिंग सवाल, हाउ मेनी कमेंट्स हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट यूजर्स ऑन ईच प्रोडक्ट, यानी Samsung 23 पे कितने लोगों ने कमेंट्स दिए, Z Fold पे कितने लोगों ने कमेंट्स दिए, इस प्रोडक्ट पे कितने लोगों ने कमेंट्स दिए, ये आपने प्रिंट करा। हाँ बस आखिरी सवाल, मेक एनी इन स्टॉक आइटम टू 0 वैल्यू, यानी मेरे पास इस वक्त ये देखें ये जो काउंट इन स्टॉक है ना वैल्यू, ये 2 है, इसको आपने 2 दफा सेल कर दें तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगी, जब वो 0 हो जाए देन डिस्प्ले अ मैसेज, क्या मैसेज है, आउट ऑफ स्टॉक। बहुत अच्छा काम है, इंशाल्लाह हफ्ता आपको घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, नहीं उसके लिए मैंने अभी यूआई का भी देना,
दसवां यूआई का होगा रियलमी का। ठीक और ये कुछ भी नहीं है तो करके अभी आपसे इंट्रोडक्शन हो रहा है रिएक्ट का। सर यहाँ पर दिल नहीं तोड़ता वैसे ही गुनाह और घने दिल तोड़ता। हाँ बस एक ही मसला के काम में ज्यादा देता हूँ, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हाँ ये इनकाल को कहेंगे सर सलीम को वापस दे दीजिए, बंद कर दिया मैं आपको जनाब पूरा, आपको ये पूरी मिल रही है, पूरी फाइल मिल जाती है। अभी अभी भी सोच लें 1 मिनट भाई, कि अगर काम अगर जिंदगी आसानी में गुजारने तो मैं सलीम साहब को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर इधर करना तो काम में थोड़ा सा डबल ट्रिपल देता हूँ। इसका शॉर्टकट तो है कोई नहीं, रटा तो हम लगा नहीं सकते, तो प्रैक्टिस ही होनी है कोडिंग, तो प्रैक्टिस ऐसे ही होनी है। और मैं असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, इसकी ग्रेडिंग होगी प्रॉपर। जो पता लगे अगले हफ्ते आएगी कोई नहीं। बल्कि ऐसा करते हैं उन टास्क को ना इधर यहाँ पे जाके ना असाइनमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे जाते हैं और बिल्कुल नहीं लगता आपकी जिंदगी शाम गुजर रही थी, बैठे बैठाए पाँव पे तलाटी मार ली मुझे दिला दी। और नेक्स्ट मंडे जो है ना कोशिश करें सारे लैपटॉप कोई मिसिंग ना हो, सारा आज चौंकि जरा टास्क थे एक दफा। अब आपका बहाना किसी का नहीं रहेगा कि सर वो टॉपिक नहीं रह गया, वो रह गया, वो रह गया। 14 अगस्त का मैंने टाइम दे दिया। नहीं हो सकता तो आर्मी से इंडियन भी होंगे तो आउटसाइड कंट्री जो होंगे उनका तो 14 को ले ही सकते हैं। चलें 15 कर देते हैं, 100 मार्क्स हैं। और रिएक्ट का टास्क क्या होगा, राउटिंग पूरी की हुई है ना। आपने अपनी रिएक्ट में प्रोफाइल बना के लानी, हाँ पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो ऑनलाइन पोर्टफोलियो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट HTML CSS लिख रहा हूँ, लेकिन आपने बनानी है रिएक्ट जिसमें आप बताएं कि जनाब आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या क्या काम किया, ऑनलाइन CV जिसको कहते हैं आप। वेबसाइट से आपको बेतहाशा आइडियाज मिल जाए। हाँ जी पूरा पोर्टफोलियो लेकिन रिएक्ट में बनाओ, जैसे नाम लिखा है, किसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और यार इस पे उसका अपना नाम, एक्सपीरियंस कहाँ से है, क्या मोबाइल नंबर, ईमेल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये देखिए। फिर क्या स्किल है,
सर सिर्फ क्या क्या वो काम कर रही है, और अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं ये उसने प्रोजेक्ट भी किए हैं, जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे डाल दें, और लोगों के क्या रिव्यूज हैं, ये पोर्टफोलियो होता है। लेकिन ये रिएक्ट में बनाओ। जरा रिएक्ट का आपका पूरा होता है, इस पे लिंक लगाएंगे, इस तरह भी बना देते हैं। सही है, इसमें देखे ना, प्रॉपर बनाया हुआ एजुकेशन। आइडियाज ले सकते हैं नेट से, आपको बेहतर अच्छा आइडियाज मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है? नो सर, हाँ जी, कोई डाउट है जो टॉपिक पढ़े इससे रिलेवेंट? पूरा हफ्ता है आपने 14-10 हज़ार से क्या निकला बार बार किसी? हाँ वो है, किसी का ऐसे चढ़ गए तो नया चलान हो जाना 1,000 रुपये काम करें। वैसे भी कानून बहुत सख्त हो गया है। ये टास्क अपलोड हो गए हैं, असाइनमेंट भी होगी, लेक्चर नहीं हुए इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ। तो ये आज वाला लेक्चर ना रिकॉर्ड ना किया हुआ, काम खराब हो जाए।